ये इनका शॉप है यहाँ पर। څنګه دی اجي سب خیر دی خیر تاسو خیر دی د کوم ځای دا دی زی تاسو کوم ځای افغاني نه موږ د سوات یو سوات سوات अगर आप यहाँ आते हैं तो ये कीमती पत्थरों से बना हुआ हार और दीगर चीज़ें, हाथ की कढ़ाई वाले बैग्स और सब चीज़ें जो है ना यहाँ पर दस्तियाब है। हज़रतुल्लाह खान, आपका ताल्लुक कहाँ से है और कब से ये काम कर रहे हैं? हमारा ताल्लुक सो छतराल से है। ठीक है, और यहाँ से ये 1995 से कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या क्या वैरायटी है? आपने तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी है। ये जेम्स है, हैंडीग्राफ है, पत्थरों का वो है। अच्छा, मुख्तलिफ वैरायटी है। अच्छा, अच्छा जी, तो यहाँ पर सही आ रहे हैं मतलब इन सर्दियों में कि नहीं? आ रहे हैं बिल्कुल, आ रहे मौसम सही हो, रोड सही हो, बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा, तो ये बताए कि लोगों के फेस्टिवल के अलावा अगर कोई आता है सयाह तो यहाँ इनको देखने के लिए क्या मिलेगा? बस ये इलाका, हवा ठंडा मिल रहे हैं। अच्छा, पानी ठंडा मिल रहे हैं। ठीक है, तो आराम सुकून मिल रहे हैं। सही, शोर शराबा नहीं है, कुदरती नज़ारा है, नेचुरल वो है, ये सारे उनको मिल रहे हैं। और आपकी दुकान में बहुत सारी चीज़ें भी मिलेंगी? बिल्कुल जी सर। क्या नाम है दुकान का आपका? ये है जी हिदायतुल्लाह जेम्स ज्वेलरी। अच्छा, ये कैलाश वैली में कहाँ पर वाक़ है? ये सिर्फ कैलाश वैली करकाड़ में बम्बरेत, और ये दो ज़िलों का एक शॉप है। अच्छा, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम कुंदा है कुदरती तौर पर, ये पत्थर कहाँ मिला था? ये भी यहीं पे मिले हैं। अच्छा, आपने खुद ढूंढा था कि कोई लेकर आया नहीं, था? ये उधर मैं ढूंढा था लेकिन मैं इसको लेकर आया हूँ। अच्छा, इधर सिर्फ बरकत के लिए, दूसरा ये कि पूरे इंसानियत को दिखाने के लिए, अल्लाह के एक पावर, एक ताकत, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर लोग, सफ़ीर लोग, बाहर के लोग आते हैं, ताकि इनको देख ले, इंसानियत को समझ आ जाए, इसलिए। और अल्लाह का नाम भी है? अल्लाह का नाम भी है, सारा कुदरती। ये भी आपने खुद देखा जी, था? जी जी, इधर माशाल्लाह। इधर तो यहाँ पर ये भी बताए कि कितने फीसद जो है ना कैलाश बरादरी के लोग हैं और कितने फीसद मुसलमान? खैर, मुसलमान तो ज़्यादा है। अच्छा जी, तो इसके आपस में मतलब मिलजुल ना बैठना ये किस तरह है? नहीं, ये ज़बरदस्त है जी। अच्छा, देखो, हम हमारा ये कल्चर जो है ना कैलाश का, ये पूरे एशिया में बल्कि दुनिया में एक यूनिक कल्चर है। ठीक है, और ख़ास कर KPK में ये चतराल वादी जो है, हम दो, एक अपर चतराल है, एक लोअर है। ठीक है, तो इसमें हम तीन फिरके रहते हैं। ठीक है, एक तो इस्माइली बरादरी है। ठीक है, जो आगा खानी है, और एक कैलाशी है, सबसे बड़ा फिर सुन्नी है। ठीक है, लेकिन है हमारे आपस में बहुत ज़बरदस्त वो है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, मतलब ताल्लुकात बहुत ताल्लुकात ज़बरदस्त। अगर हम कहीं मैं या उस पर दुआ के लिए इधर उधर, हम मतलब पाती अखवाने के लिए एक दूसरे के तो पास कोई जानते नहीं कि इसमें गैर कौन है और मुस्लिम कौन है। अच्छा, क्योंकि अच्छा, हमारा माहौल ऐसा बना है। ठीक ठीक, और दूसरा ये जंग झगड़े ये हम जानते भी नहीं। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस अमन को कायम दायम रखे। मेरी दुआ है कि आप लोग अमन से रहे, खुश रहे, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और सबका हक है यहाँ रहना। अच्छा, ये कुदरती तौर पर दरख्त, इस पर कुंदा है, ये अगर आप देखें तो ये भी मतलब नेचुरल है और ये कुदरती तौर पर है दरख्त, तो क्या बात है। तो बहुत ही शानदार शॉप है इनका। तो अगर आप कुछ ख़रीदते हैं या नहीं ख़रीदते वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप इधर आते हैं, ख़ासकर ख़वातीन को मैं कहूँगा कि वो आए तो वो उनको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मिलेंगे। ये कीमती पत्थर मतलब मुख्तलिफ, ये गाय देख कर लेते थे पहले ज़माने में, ये है चांदी का। अच्छा, देखिए, अच्छा, आजकल लेकिन ये बेचने का नहीं, ये फॉर सेल नहीं, ये कल्चर है। कल्चर है, ये ख्वातीन गले में डालते थे पहले शादियों में। अच्छा, और अच्छा, वो कीमती पत्थर है सारा। अच्छा, ये सारे पत्थर है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये वो है, देखो, सारा मिनिस्टर लोग आते, असद कैसर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये शेरी रहमान भी आई हुई है और असद कैसर भी है, पूरे मतलब यहाँ पर जनरल लोग भी है और पहुँच के हमारे जवान भी है। ये अगर आप देखें तो पूरा इनके पास
एक लाइब्रेरी बना हुआ है और ये फॉरनर जो है ना वो आते हैं सारे, तो इनके साथ जो है ना तस्वीरें वगैरह वो खींचते हैं। अच्छा ये एंटिक्स ज्वेलरी है, मतलब ये पुराने जमानों में इस्तेमाल हुआ है। ये फॉर सेल है। अच्छा तो ये अगर एक शॉप आप आ जाए तो ये पूरा म्यूजियम बना हुआ है, तो क्या ही बात है। और इधर है इतने म्यूजियम में नहीं है। ये सही कह रहे हैं। तो इसमें ये कालीन भी है और ये भी हाथ से बना हुआ है। ये इनकी जो रिवायती पट्टिया है कैलाश कबीले के, वो मतलब एक मुआज़्ज़ज जो आता है मेहमान या इनका जो बड़ा होता है, तो ये भी इनको पहनाए जाते हैं। पाकिस्तानी झंडे को सलाम। सबसे लाले परचम पहाड़ पर अगर आप देखें, ये कारकाल विलेज, इनके अपने मतलब यहाँ पर दुकानें हैं और पूरा है। अगर आप सीज़न में आते हैं तो यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें जो है ना वो मिलेंगी। ये अगर आप देखें तो इनके रिवायती लिबास आप देख सकते हैं पूरा। हमारे मतलब यहाँ की मुख्तलिफ कल्चर है तो वो आप देख सकते हैं। इसके ये सारे हार है, नेकलेस है, जो भी चीज़ें हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन, तो आप देख सकते हैं। ये अगर आप देखें पूरा, तो इनके लिए ये है कि ये इनकी रिवायती, ये सारे ख़वातीन ही चलाते हैं। मेरा नाम काबिलदाद है, नौशेरा से आया हूँ। अच्छा। इधर चक्कर लगाने के लिए। अच्छा। बहुत खूबसूरत जगह है और खुशकिस्मती से शरीनजादा भाई के साथ भी मिल गए। बहुत शुक्रिया। पहले भी मैं बहुत यूट्यूब वीडियो देखता रहा। बहुत शुक्रिया। इसी वजह से मैं भी इधर आ गया। बहुत शुक्रिया जी। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत पसंद आ गया। मैं मोटर बाइक पे भी आ गए। अच्छा। इंजॉय किए, इन घरों पे भी इंजॉय किए। बहुत खूबसूरत लोग भी है। इनका सकाफत और उनका रहन सहन बहुत मेहमान नवाज किस्म के लोग है। आपका नाम क्या है? अच्छा ये बताए आप यहाँ पर क्या क्या चीजें बेच रहे हैं? हमारा कैलाश कल्चर का चीज है भाई। कैलाश कल्चर का है, कल्चर का है। अच्छा तो सही आते हैं यहाँ पर खरीदने के लिए? आता है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आता है। मैंने सुना है बहुत महंगा देते हैं आप। महंगा नहीं, ये सब हाथ से काम है भाई, हैंडमेड है भाई। ये सारा धागा भी हम खरीदते हैं पैसा से, मोती भी खरीदते हैं पैसा से भाई, फिर खुद हाथ से बनाता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं एक सूट कितने का मिलता है जो आप लोगों ने इस्तेमाल करते हैं? 8,000, 9,000, 10,000, 5,000, सस्ता वाले 3,000, मुख्तलिफ रेट है। अच्छी चीज होता है वो 10,000 का भी सूट होता है। और ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? एक महीना में। फिर तो जायज़ है। अच्छा कम करता है तो वो एक महीना में तैयार होता है भाई। अच्छा ये बताए आप लोग घरों में भी ये काम करते है खवातीन? अनपढ़ लोगों को काम है भाई। अनपढ़ लोग तो ये बर्फबारी होता है बहुत ज्यादा, उस वक्त घर में ही बैठ के ये चीज बनाता है। ठीक है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे दीगर पाकिस्तानी बहन भाइयों को कि वो आए आप लोगों का कल्चर देखे? अदा करता है उस पाकिस्तान भाइयों का। अच्छा। बहुत ज्यादा। अच्छा टूरिस्टों से हम थोड़ा रोजगार पैदा होता है भाई, टूरिस्ट नहीं आते तो रोजगार कहाँ से होता है? आपका घर है, हम आपके मेहमान है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, आप इनकी मेहमान नवाजी करते हैं, हम आपके मशहूर हैं। तो ये अपना दुकान खुद ये चलाती है, इसमें आप इसके दिगर जो ख्वातीन है वो भी काम करती है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आप यूँ समझे कि ऐसा नहीं है कि कैलाश कबीले की कोई भी लड़की को हाथ में पकड़ा और आप ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनका कल्चर, इनका रहन सहन बिल्कुल हमारी तरह ही है और अपना मतलब बाकायदा तौर पर इनका आपस में शादी होती है। तो बहुत सारे लोग ये जो बताते हैं वो गलत है और आप लोगों के लिए ये है कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी मेहमान नवाजी होगी और आप खूब इंजॉय कर सकेंगे। ये मोहम्मद अली की शॉप है, कुछ एंटीक हार भी है यहाँ अगर आप देखें, और मोहम्मद अली भी साथ है। मोहम्मद अली ये जो हार है ये यहाँ के बने हुए किस तरह है? ये हार बेसिकली ये जो है ना बने हुए सर अफगानिस्तान के। ठीक है। ये अफगानिस्तान से आते हैं। ठीक है। तो ये पत्थरों के हार होते हैं सारे। तंग तंग गली है।
ठीक है ना।